नेक्स्ट टाइम आपके पास टॉपिक आ रहा है उसमें तो हम देखेंगे कि सिंगल मार्केट या पार्शल इक्विलिब्रियम एनालिसिस करेंगे सब्सिडी का उन होम प्रोड्यूसर्स को जो सब्सिट्यूट गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं या वो इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री में इंपोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री में होने का मतलब क्या है कि जो चीज़ आपके मुल्क में इंपोर्ट हो रही है बाहर के लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके मुकाबले में जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं जो अपनी घर की चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उस उनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देना शुरू हो जाए जो इम्पोर्ट सब्सिट्यूट या इम्पोर्ट मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं ये आपका क्वेश्चन सिक्स मार्क्स का आ सकता है और ये आपने नोट्स में से ही रेडी करना है इसमें जनाब क्या होगा इसका दो तरह से वो कंपैरिजन करेंगे एक तो आपको याद हो जो आपने चैप्टर एट में पढ़ा था पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट ऑफ पार्शल टैरिफ और स्मॉल कंट्री केस किया था जो कि मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था कि उसका कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस पर उसका इफेक्ट होता है 8.2 ए और बी पार्ट था इसका अच्छा उसी तरह से होगा इसमें कि उसमें क्या होता था जहाँ पर हम टेरिफ लग रहा था उसे होता है कि जो एक बाहर की जो होती है इंटरनेशनल एक प्राइस होती है उसके ऊपर जब टैरिफ लग जाता है कोई परसेंटेज के हिसाब से तो जो इम्पोर्टेड गुड है उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है कंज्यूमर डिमांड में कमी आती है और जो बाहर से आप चीज़ ख़रीद रहे हो उसका क्या होता है कि आप क्योंकि प्राइस हाई हो जाती है टैरिफ लगने की वजह से तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी प्रॉफिट नज़र आता है कि अगर हम क्वांटिटी इंक्रीज़ करें तो हम भी इस चीज़ को हायर प्राइस पर बेच सकते हैं तो जिस वक्त टैरिफ लगता है और प्राइस हाई होती है इम्पोर्ट गुड की तो उस वक्त इम्पोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री में जो लोग मौजूद होते हैं प्रोड्यूसर्स जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस सेम चीज़ को वो भी आउटपुट बढ़ा देते हैं प्राइस ज़्यादा होने की वजह से अब यहाँ पर हमने देखना है कि बजाय से कि आप टैरिफ लगाएं हम अगर सब्सिडी दे दें इन प्रोड्यूसर्स को जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं इम्पोर्ट कम्पिंग इंडस्ट्री में है तो उससे क्या फ़ायदा होगा उससे जो सबसे पहला बेनिफिट होगा वो ये होगा कि जो है आपकी सप्लाई कर वो ए, वर्टिकली या पैरालेल शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड यानी के सप्लाई कैसे इंक्रीज क्यों इंक्रीज होगी अगर अगर देखो इनिशियली अगर प्राइस जो है है वो हो five, ये ठीक जी डॉलर कहते हैं अगर पहली जो इंटरनेशनल चीज की इंपोर्ट हो रही है उसकी प्राइस है जी five, इसके ऊपर जो आपका इनिशियल सप्लाई ये आप देख रहे हैं जो एस अकेला है उसके ऊपर जहां हंड्रेड है आउटपुट ए जे ये जो हंड्रेड आउटपुट है ये वो होती है जो कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की जा रही होती है ठीक है जी अब अगर तो कोई सब्सिडी कुछ भी मौजूद ना हो उस सूरत में पाँच डॉलर जिस वक्त प्राइस होगी उस वक्त हंड्रेड वो आउटपुट लेवल है जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे लेकिन अगर तो आप चाहते हो कि वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाएं वन ट्वेंटी तक करें तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि जो प्राइस है वो इस लेवल तक यानी कि सिक्स डॉलर्स तक हाई हो ठीक है तो इसी सूरत में वो अपनी क्वांटिटी सप्लाइड या क्वांटिटी जो सप्लाई करेंगे प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बढ़ाएंगे अगर प्राइस हाई हो तो अगर आप कह रहे हैं कि टैरिफ लगाएंगे प्राइस हाई होगी जैसा कि उस डायग्राम में हुआ जो आपकी बुक में है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर भी अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं तो उसका एक ऑल्टरनेट है कि आप सब्सिडी दे दो सब्सिडी में यह होता है कि गवर्नमेंट जो है वो कहते हैं नेगेटिव टैक्स की तरह होता है कि लोगों को जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको किसी किसी तरह की टैक्स की छूट दे दी जाती है या उन जिससे उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम होता है तो या तो प्राइस हाई हो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो तो उस दोनों सूरतों में मार्केट में बेशक सेम प्राइस रहे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं अब आपकी प्राइस फाइव ही रही फाइव ही है लेकिन चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया है क्योंकि गवर्नमेंट पर यूनिट सब्सिडी दे रही है जो यहाँ पर वो बताएंगे वन डॉलर अगर सब्सिडी दे रही हो तो उनको ये वन डॉलर की सब्सिडी मिलाकर वो ऐसे ही हो जाएगा कि जैसे वो सिक्स डॉलर के ऊपर प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि उसका जो नेट इफ़ेक्ट है वो यही होगा अब क्या होता है कि वो सेम प्राइस के ऊपर अपनी क्वांटिटी प्रोड्यूस या क्वांटिटी जो सप्लाई करते हैं वो बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको पर यूनिट के पीछे वन डॉलर की छूट मिल रही है सब्सिडी मिल रही है इस वजह से सप्लाई कर पैरेलल शिफ्ट होता है राइट वर्ड या इसको तो कहते हैं वर्टिकली शिफ्ट होगा ऊपर से नीचे जैसे कि आप जो सी और के आप देख रहे हो ये इक्वल डिस्टेंस से दूसरे कर्व के साथ एस डैश कर्व होगा कर, जिसका लिखा हुआ है विद सब्सिडी अब क्या होता है कि प्राइस जो है वो फाइव ही रहती है लेकिन आपकी जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोडक्शन हंड्रेड से ट्वेंटी की तरफ कर देते हैं बढ़ा देते हैं ठीक है जी तो ये इफ़ेक्ट होता है सब्सिडी का अब हमने देखने हैं अपने एरियाज के हमारा जो वेलफेयर इफेक्ट है वो कैसे आएगा या तो हम टैरिफ ही यूज़ करें या हम सब्सिडी को यूज़ करें और कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस पे यहाँ पर क्या इफेक्ट आएगा जब गवर्नमेंट जो यहाँ पर फेस कर रही है वो ख़र्चा जो उनको आता है प्रोड्यूसर्स को सब्सिडी देते वक्त वो है ए बी सी के ये वाला एरिया ए बी सी के ये सारा है जब गवर्नमेंट फेस करती है सब्सिडी देते वक्त प्रोड्यूसर्स को और जो प्रोड्यूसर सरप्लस है वो है ये वाला एरिया ये वाला ठीक है तो बाकी जो एरिया बच जाता है ये छोटी सी जो ट्रायंगल बनती है ये आपका बन जाता है डेड वेट लॉस क्योंकि ये किसी भी जगह पर नहीं जाता एक तो जो गवर्नमेंट को देती है सब्सिडी वो होता है बी सी ए के और जो प्रोड्यूसर्स गेन करते हैं वो होता है ए बी सी जे और कंज्यूमर जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोड्यूसर्स ने गेन किया ए बी सी जे लेकिन जो कंज्यूमर्स उनको फर्क नहीं पड़ेगा उनके पहले भी वो फाइव ही प्राइस दे रहे थे अब भी वो फाइव ही प्राइस दे रहे हैं सिर्फ जो फ़र्क पड़ेगा वो प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर्स पड़ेगा इसके बावजूद ये है वो एरिया जिसका डेड वेट लॉस हो जाएगा जिसको सी जे के का एरिया वो आगे डिफाइन कर रहे हैं अच्छा जी डेड वेट लॉस जो है वो क्यों आता है वो इस वजह से आता है क्योंकि ये जो कंज्यूमर्स को अगर हम कह रहे हैं कि सेम प्राइस मिल रही है तो कंज्यूमर्स आपके मुल्क के टैक्स पेयर भी तो होते हैं तो जो टैक्स पेयर है उसकी पॉकेट से ही गवर्नमेंट ने पैसे निकाल के किसी को सब्सिडी पे करनी है ना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में होता क्या है गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्स पेयर्स के टैक्स से तो जो टैक्स पेयर को कॉस्ट तो एक बढ़ गई है जो कि बढ़ ज़्यादा है और जो गेन हो रहा है प्रोड्यूसर सरपलस में वो कम है लेकिन कंज्यूमर सरप्लस का लॉस कोई नहीं हो रहा क्योंकि प्राइस में इंक्रीज कोई नहीं आ रहा तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे सब्सिडी होती है इम्पोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री को एक स्मॉल कंट्री के इसमें वो बेहतर होती है बजाय इसके कि आप टैरिफ या कोटा लगा दो क्योंकि उसके अंदर प्रोड्यूसर सरप्लस का थोड़ा सा गेन होता है लेकिन कंज्यूमर्स जो हैं उनका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा होता है सेकेंडली सब्सिडी देने में जो जो है उनको आ रहा है थोड़ा कोर्स बर्दाश्त करना पड़ रहा है और जो प्रोड्यूसर्स है वो गेन भी कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद जो डेड वेट लॉस है वो सिर्फ एक ट्राइंगल के बराबर है ये वाली सी जे के और आपने अपनी बुक के अंदर बेशक आप चेक कर लेना वहाँ पर ये टू ट्रायंगल्स थी जो बन रही थी जो कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों साइड पर यानी कंज्यूमर का ही था लॉस था तो बहुत ज़्यादा था तो इसका जब आप नेट इफेक्ट देखते हो वो यही होता है कि जो आपके पास होता है ना सब्सिडी दी जाती है इंपोर्ट कंपिटिंग इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स को स्मॉल कंट्री के इसमें उसका वेलफेयर लॉस या डेड वेट लॉस कम होता है बजाय इसके कि आप टैरिफ या इम्पोर्ट कोटा लगा दें तो इस वजह से ये जो है वो बेहतर होता है तो आपने जनाब ये जहाँ पर आपका निशान लगा हुआ है मोर अट्रैक्टिव फॉर कंट्री ठीक है यहाँ पे वही चीज़ें जो आप बता रहे हैं कंज्यूमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट आर नॉट The taxpayers then the subsidy is given more attractive for the country. तो बस आपने यहीं तक इसको करना है इसके आगे नहीं करना ये आपको यहीं पे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और ये जो यहाँ पर ये नंबर्स दिए हुए हैं वन सेवेंटी फाइव और वन ट्वेंटी वाला ये नहीं करने, आपने नहीं करना आपने फिगर से लिखने आपने सिंपली इसका जो थ्योरेटिकल है एनालिसिस इस वाले पैराग्राफ में वो आपने ऐसे ही करना है और ऊपर यहाँ पर ये वाला पार्ट और जो ऊपर एक्सप्लेनेशन है डायग्राम की नीचे की वो आपने ये मार्क हुई हुई है ये आपने करनी है सारी ठीक है जी